स्वागत है बच्चों जीटी चांस के चैनल पे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकेंड

चिक्स इन द किचन अंडर दिक्स ऑन द डोर स्टेप चिक्स ऑन दिकन एंड चिकन चिकार्मार्ड बट नो पोयम है वहां पर आपको क्या बोला गया जो चिकन और हेन है यानी कि जो चिकन और हेन है वो कहाँ पर है चिक्स जो है वो फार्मार्ड है चिक्स कौन होते है? चिकन के जो बच्चे होते हैं छोटे हम चिक्स बोलते हैं तो चिक्स कहाँ पर है फार्म यार्ड में कुछ जो चिक्स है वो कहां पर है में कुछ जो चिक्स है वो किचन में है और कुछ कहा है अंडर द चेयर यानी कि चेयर के नीचे फिर वो बोलते हैं चिक ऑन द डोर स्टेप चिक ऑन द स्टेयर अब जो चिक ऑन द डोर स्टेप यानी कि यहाँ पर लिखो जो दरवाजे के पास का है हम क्या बोलेंगे डोर स्टेप कुछ चिकन वहां पर है कुछ जो चिकन वो स्टेयर्स है, मतलब है? सीढ़ी फिर वो यहाँ पर बोलते हैं वो है, फार्मार्ड में है बट एक भी जो, जो यहाँ पर चिकन वो कहा पर नहीं है पेन पर नहीं है पेन में नहीं है तो इस पोइंट में आपने क्या देखा चिकन कहा पर है वो यानी कि जो चिकन होंगे वो क्या हो गए पर छुट गए होंगे तो इसी के वजह से जो वो यहाँ पर आपके पोएट है वो बता रहे की अगर तुम उन्हें पकड़ पाओ तो पकड़ लो क्योंकि जो देखो चिकन सो, चिकन और जो है है चिक्स वो घूम रहे अब उन्हें पकड़ना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा जैसे की बच्चा वो भी पर क्या कर रहा है जो चिकन और हेन है उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है बट क्या वो यहाँ पर उन्हें ढूंढने की नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहा है बट क्या वो यहाँ पर उन्हें पकड़ पा रहा है वो नहीं पकड़ पा रहा है तो इसी के लिए इस पोएम का नाम क्या रखा है कैच देम इफ यू कैन यानी कि उन्हें पकड़ के दिखाओ अगर तुम पकड़ सकते हो क्योंकि वो सारे क्या हैं यहां वहां घूम रहे तो ये हो गया आपका पोयम अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या है कंप्लीट लाइंस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन बॉक्स यानी कि ये जो लाइंस है इन्हें आपको कंप्लीट करना है जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं उनके मदद से तो बॉक्स में वर्ड क्या है इन ऑन फार्म तो यार्ड तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे चिकन इन द फार्मार्ड सेकेंड क्या है चिक्स डैश इन दैश द पेन पोएम ने क्या देखा था चिक्स कहां पर थे चिक्स इन दिक्स डैश द चेयर चिक्स डैश अंडर द चेयर चेयर के नीचे थे नीचे थे यानी कि वहां पर हम क्या यूज करेंगे अंडर यूज कर सकते अंडर यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर नेक्स्ट क्या है चिक्स डैश द स्टेयर अब चिक्स द स्टेयर स्टेयर के यहाँ पर थे वो लोग तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे चिक्स ऑन द स्टेयर नेक्स्ट क्या है चिक्स डैश ऑन द डोर स्टेप ऑन द डोर स्टेप यानी कि ये डोर होता है वहां पर अगर हम डोर का जो यहाँ पर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं डोर स्टेप बोलते हैं तो डोर स्टेप पे भी क्या है यहाँ पर चिकन है तो ये हो गया आपका एक आंसर जहाँ पर इधर क्या आएगा सबसे पहला आएगा आपका इन यहाँ पर आएगा इन इन अंडर ऑन ऑन ऐसे करके क्या करना है आपको इसका आंसर लिखना है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है यानी क्या को कहां पर देख देख रहे रहे हो देखो जब हम पोयम देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कहाँ पर अगर हम पोयम को देखेंगे वो फार्म यार्ड में थे वो चेयर पे थे वो पेन पे थे वो डोर स्टेप पे थे तो यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे चिक्स कैन बी फाउंड इन द फार्मार्ड पेन किचन अंडर द चेयर ऑन द स्टेयर एंड ऑन द डोर स्टेप वापस ऑन द स्टेयर एंड ऑन द डोर स्टेप तो ये हो गया आपका बी का आंसर यानी कि जो चिक्स है वो कहां पर मिले थे पोएम हमने क्या लिखा था फार्म यार्ड में पेन में डोर स्टेप में स्टेयर पे और कहा थे वो किचन में थे अब नेक्स्ट क्या है लुक एंड से लुक एंड से का मतलब क्या होता है देखो और बोलो देखो और बोलो मैं सबसे पहला वर्ड क्या है पेन पेन यहाँ पर कैसे ई एन एस ई एन एस क्या होता है पेन नेक्स्ट क्या है एस टी ए आई आर एस एस टी ए आई आर एस को हम क्या बोलते हैं सीयर सीय का मतलब क्या होता है सीढ़ी नेक्स्ट क्या है ओ एन ई एन ओ एन ई का मतलब क्या होता है नन यानी कि एक भी नहीं फिर क्या है किचन के आई टी

क्या है एफ ए आर एम वाई ए आर डी एफ ए आर एम वाई ए आर डी तो ये हो गया आपका लुक एंड से तो वापस से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या है बेंच स्टेयर नन किचन चिकन डोर स्टेप फार्म तो ये हो गया आपका पूरा लेसन तो इस पोयम में आपने क्या देखा जो बच्चा है वो चिकन्स को पकड़ना तो चाहता है बट वहां पे पकड़ नहीं पा रहा है तो वो बता रहा है जो चिकन्स और हेन है वो कहाँ पर घूम रहे है पर घूम रहे कहाँ पर छूटे हुए कुछ किचन में चले गए जैसे यहाँ पर किचन है वहां पर कुछ डोर स्टेप पे कुछ जो है वो स्टेयर्स पे कुछ जो है यहाँ पर चेयर के नीचे अंडर द चेयर यानी कि चेयर के नीचे कुछ डोर स्टेप पे है और या, इसका नाम क्या लिखा गया है कैश देम इफ यू कैन यानी कि उन्हें पकड़ के दिखा अगर तुम उन्हें पकड़ सकते हो तो इसी के साथ क्या होता है आपका ये लेसन यहाँ ये पोएम यहां पर खत्म होता है जहां पर आपने क्या कैच कैश इफ यू कैन आई होप आपको वीडियो समझी होगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक तो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर